हेलो फर्स्ट क्लास, दिस इज़ योर सब्जेक्ट मॉरल साइंस एंड टुडे वी विल बी डूइंग योर नेक्स्ट चैप्टर. एज यू कैन सी दिस इज़ योर मॉरल साइंस बुक. ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू राइट नाउ. ओके, नाउ टुडे वी विल रीड योर लेसन नंबर 10, द फॉक्स एंड द गॉट. यानी फॉक्स यानी हमारी लोमड़ी एंड गॉट मीन्स हमारी बकरी. इट वॉज अ वेरी हॉट समर डे. बहुत ही गर्मी का दिन था. एक फॉक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही थी और उसको इसको प्यास लगने लग गई. ही वेंट ऑफ हिज और वो अपने केव से बाहर निकल के आ गई पानी को तलाशने के लिए. ही केम अपॉन अ शैलो वेल के वहाँ साइड में वो आ गई. ही उसे जैसे ही वेल में देखा झुक कर ही फाउंड उसने देखा कि थोड़ा सा पानी उसके बॉटम में बिल्कुल नीचे नीचे पड़ा था और उसने उसको पीने की कोशिश करी लेकिन वो पानी को पी नहीं पाई बिकॉज द वॉटर वॉज कूल. ठंडा था एंड क्लियर था. ही क्वेंच्ड एंड क्विंच्ड हिज थर्स्ट और उसने अपनी प्यास को बुझा लिया. He tried to come out of the well से बाहर निकलने की उसने कोशिश करी but he was unable to do so. A goat came to the well. अब एक goat आई वहाँ पर in the evening में वहाँ पर कुएं के पास में. She looked in the well के अंदर उसने जैसे ही देखा उसने देखा कि वहाँ पर लोमड़ी पहले से ही उसके अंदर कुएं में गिरी हुई थी. Goat ने पूछा लोमड़ी से what he was doing there कि वो क्या कर रही है वहाँ पे. द फॉक्स सेड, फॉक्स ने क्या बोला, मैं यहाँ पानी पी रही हूँ. द फॉक्स द वॉटर इज वेरी कूल कि पानी बहुत ठंडा है कि आओ प्लीज कम इन, तुम भी आ जाओ और पानी को क्या करो, इंजॉय करो, पानी पीने में बड़ा मजा आएगा. और जो उसकी बात मान के, बिकॉज फॉक्स क्या होती है, बड़ी क्लेवर होती है, उसने क्या किया, गॉट को अंदर जंप करवा लिया और गॉट ने उसकी बात सुन के कुएं के अंदर जंप कर दिया. द फॉक्स इमीजिएटली गॉट हर बैक एंड जंप्ड आउट ऑफ द वेल. और फॉक्स ने इतनी जल्दी क्या किया, उसकी पीठ के ऊपर वो खड़ी हो गई और वहां से कुएं से बाहर वो निकल के आ गई. एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज थिंक बिफोर यू एक्ट कि जैसा भी तुम करते हो उससे पहले सोचना जरूर चाहिए. नाउ यू हैव दिस वर्ड वाइज, आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में नोट करने हैं. नाउ आई विल बी शोइंग यू द आंसर्स, आप उसको कॉपी में नोट करेंगे और बुक्स में भी कंप्लीट करेंगे. ओके क्लास, आप बेटा इस पेज से अपने अपने बुक वर्क में अपना ये सारा वर्क और नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाए. फाइन.